हर्ष जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद भी हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जी ने कहा है कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार होना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, कोई नई बात नहीं, पहले मनमोहन सिंह जी ने कहा है। हमारा मानना है कि देश के संसाधनों पर देश के गरीब का, दलित का, आदिवासी का सबसे पहला अधिकार होना चाहिए, देश के पिछड़े का अधिकार होना चाहिए। जहां तक संविधान के इंटरप्रिटेशन का सवाल है, संविधान में कहीं पर भी प्रायोरिटी एरिया रिलीजियस आधार पर नहीं तय किया है। संविधान ने प्रायोरिटी एरिया पिछड़ेपन के आधार पर, इकोनॉमिक बैकवर्ड्स के आधार पर, और दलित और ट्राइबल के और पिछड़ा वर्ग के लिए किया है। और भारतीय जनता पार्टी मानती भी है, करती भी है। और नरेंद्र भाई ने 8 साल के अंदर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश में हर गरीब के घर में घर पहुंचाने का काम किया है, घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है, घर में गैस पहुंचाने का काम किया है, घर में शौचालय पहुंचाने का काम किया है, घर में आरोग्य की सारी सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है, और हर घर में शुद्ध पीने का पानी, नल से जल आज काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। इसके साथ साथ जब कोरोना का संकट आया, 80 करोड़ लोगों के घर के अंदर प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन पहुंचाने का भी काम किया है। हम स्पष्ट रूप से मानते हैं कि देश के संसाधनों पर धर्म की मान्यता के आधार पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। देश के संसाधनों पर इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े और गरीब का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, इसका अधिकार होना चाहिए, मगर गरीब का अधिकार होना चाहिए। अमित जी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक इंटरेस्टिंग बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि अगर वो पार्टी पावर में आई तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम करेंगे। इसके बारे में आपकी क्या विचार? मैं तो धन्यवादी हूं, आपने सवाल पूछ लिया, मैं अखबार में देख रहा था, अब आपने पूछ ही लिया है तो यहीं पर जवाब स्पष्ट कर देता हूं। सबसे पहली बात, कांग्रेस को सरदार पटेल का नाम देने का अधिकार ही नहीं है। पूरा जीवन सरदार को इतिहास में उचित स्थान न मिले, इसके पीछे एक गांधी नेहरू परिवार ने लगा। सरदार पटेल की अंत्येष्टि से लेकर, सरदार पटेल का स्मारक बनने से लेकर, सरदार पटेल को भारत रत्न देने तक कोई भी काम इन्होंने रोड़ा अटकाने के अलावे नहीं किया। नरेंद्र भाई ने विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा यहां पर सरदार साहब के स्मारक में बनाई। क्या बात कर रहे हो, सरदार सरदार किया नरेंद्र भाई ने। देश भर के 8.5 करोड़ किसानों के औजारों का लोहा पिघलाकर किसान नेता सरदार पटेल का, लोह पुरुष सरदार पटेल का, विश्व का सबसे बड़ा पुतला बनाने का बात। एक भी कांग्रेसी नेता आज तक वहां पर पुष्पांजलि करने नहीं गया। प्रतिमा किसने भी बनाई हो, आपके शासन में बहुत सारी प्रतिमा बनी है महापुरुषों की, हम जाते हैं, आदर भाव व्यक्त करते हैं, क्योंकि यह प्रतिमा सरदार पटेल की नरेंद्र भाई ने बनाई, इसलिए आप नहीं जाते, ऐसा नहीं है। क्योंकि यह सरदार पटेल की प्रतिमा है, इसलिए कांग्रेसी नहीं जाते। और सरदार पटेल को हमेशा अन्याय करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने, सरदार पटेल के नाम पर ना कोई योजना बनी, ना कोई बड़ा स्मारक बना, ना आपने भारत रत्न दिया। जब कांग्रेस गई तब जाकर भारत रत्न मिला सरदार पटेल को, और आज आप सरदार पटेल की एडवोकेसी कर दे हो। और जहां तक स्टेडियम का सवाल है, मैं स्पष्ट कर दूं, वहां पर एक स्टेडियम था और आज वहां पर एक स्टेडियम बना है जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। परंतु कांग्रेस झूठ प्रचार कर रही है, वहां पर एक कॉम्प्लेक्स बना है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, जिसमें टोटल 18 स्टेडियम बनने वाले हैं, उसमें से एक नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और वो पूरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा गया है। सरदार पटेल के नाम को, उनकी स्मृति को हमने एक्सपांड कर एक की जगह 18 स्टेडियम में लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जिनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं वो इस प्रकार के मुद्दे, और क्या समझते हो आप गुजरात की जनता? गुजरात की जनता आपके झूठी बातों में आ जाएगी? नरेंद्र भाई मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, सरदार पटेल की फोटो लगाना शुरू किया है।
50 साल तक कांग्रेस के स्टेज के पीछे कभी सरदार पटेल की फोटो हमने नहीं देखी, 50 साल तक कांग्रेसियों के मुंह से सरदार पटेल का नाम हमने नहीं सुना। इतना बड़ा स्मारक बना, एक भी कांग्रेसी नेता वहां पुष्पांजलि करने नहीं गया, और आप सरदार पटेल की बात करते हो। भाई, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मानता है कि सरदार पटेल न होते तो आज ये देश का स्वरूप न होता, देश अखंड न होता, देश का आज का संविधान भी न होता। सरदार पटेल के योगदान के लिए हमें कांग्रेस से सीखने की जरूरत नहीं है, ना इनकी स्मृति के लिए कुछ करने की जरूरत है। वही स्टेडियम पर एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाकर, सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उसका नाम रखा गया है, और वहां आने वाले दिनों में चुनाव के बाद द्रुत गति से शुरू हो जाएगा, 18 अलग अलग खेलों के स्टेडियम बनेंगे, और अगर हम ढंग से परफॉर्म कर पाए तो वहां पर ओलंपिक भी होगा, विश्व का ओलंपिक सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा।